लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत समझ में आए फिर भी बोले ना समझ में आए सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलते रहे। इसके बाद जो कलाम पढ़ूंगा इंशाल्लाह मुकम्मल आपकी समझ में आएगा, लेकिन मैं अपने मिजाज के मुताबिक ये कलाम पढ़ रहा हूँ बस मोहब्बत के साथ हाजिर करता हूँ। एक शेर सुने फरमाते उस्ताद ज़मन दिखाई जाएगी महशर दिखाई जाएगी महशर में शान में महबूबे के आप ही की खुशी आप का कहा होगा के आप ही की खुशी आप का कहा होगा मुसीबत। अब एक शेर पढ़ता हूँ, इस शेर को सुने। फरमाते अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे सुभान अल्लाह सुभान बोले बोले झूमकर सुभान अल्लाह अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे अजीज बच्चे को माँ जिस अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह आपका होगा खुदा गवाह यही हाल आपका होगा तुम्हारा नाम मुसीबत और कहेंगे और नबी इज़्हबू इला गैरे कहेंगे और नबीज कहेंगे और नबीज अबू इला कहेंगे और नबीज अबू इला मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा मेरे हुजूर के लब पर सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस सुभान अल्लाह एक आखिरी शेर और मक्ता फरमाते हैं गुलाम उनकी नायत से चैन में होंगे गुलाम उनकी
किनायत गुलाम आफत में मुबतला होगा दो हुजूर का आफत में उनके दर का बेकारे हूँ फजले मौला से मैं उनके दर का बेकारे मैं उनके दर फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा बिगड़ा हुआ का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह। आइए अब कुछ ऐसे अशआर मैं शुरुआत करता हूँ पढ़ने की जो इंशाअल्लाह आप समझेंगे और आप मेरे साथ शरीक होंगे मतलब